हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर से कैसे हम एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो वी कैन रिमूव एन आइटम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी बाय यूजिंग डेल कीवर्ड। डेल एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम कोई पहले से क्रिएटेड, यानी वो डिक्शनरी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं उस डेल कीवर्ड की हेल्प से। बेसिक सा सिंटेक्स होगा इसका, जैसे कि हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में सिंटेक्स को देखते आए हैं। तो इसका बेसिक से सिंटेक्स होगा, डेल कीवर्ड का हम यूज करेंगे, डिक्शनरी नेम एंटर करेंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की पास कर देंगे। डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, तो हमें की को पास करना है। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए नाम के वेरिएबल में हमारी कोई डिक्शनरी है, उसके अंदर हमारे तीन एलिमेंट्स है। तीन एलिमेंट्स क्यों है? बिकॉज ये की वैल्यू पेयर को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे की हमारी डे नंबर है और वैल्यू हमारी डे नेम है। सो इसके अंदर तीन एलिमेंट है, डे वन कंटेन्स मंडे, डे टू कंटेन्स ट्यूजडे एंड डे थ्री कंटेन्स वेडनेसडे। अब मैं डे थ्री को रिमूव करूंगा इस सिंटेक्स की हेल्प से। तो इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग डेल कीवर्ड का यूज किया मैंने, डिक्शनरी नेम एंटर की एंड देन पर्टिकुलर की को मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड देन नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, ए डिक्शनरी को प्रिंट कराया आफ्टर दिस कमांड, यानी इस डिलीट कमांड के बाद जो है मैंने प्रिंट ए को प्रिंट करा दिया। तो इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स बचे? दो एलिमेंट्स बचे, डे वन डे टू ये हमारी की बची, मंडे ट्यूजडे हमारा डे नेम बचा। तो इसी चीज को प्रैक्टिकली शो करने के लिए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए हमने जो यहाँ पे हमारा आइडियली ओपन कर लिया है, जो कि पाइथन का एक इंटरप्रेटर है या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐप है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम ए नाम से जो है डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। आप किसी भी नेम से कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे बेसिक्स ऑफ पाइथन में पढ़ चुके हैं हमारे वेरिएबल नेम किस टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा नेम और नेम की मैं वैल्यू यहाँ पे पास करूंगा टैग। देन हम सेकेंड यहाँ पे एक वो क्रिएट करेंगे टाइप नाम की और जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ जो है मैं इस डिक्शनरी को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली ए टाइप करके अगर देखता हूँ तो मेरी डिक्शनरी जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है टाइप और यूट्यूब चैनल वाला, मैं उसे डिलीट करूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल कीवर्ड का यूज करूंगा, डिक्शनरी नेम एंटर करूंगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरा की को पास कर दूंगा। की मैंने यहाँ पे क्या की पास, मेरी टाइप। टाइप मेरा क्या है, स्ट्रिंग। तो मैं इस तरीके से जो है इसको पास कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको पास करके एंटर हिट करूंगा, इसने मुझे क्या दिया, एरर दिया। क्यों? क्योंकि टाइप जो है मेरा एक कीवर्ड है, तो मैं उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो मैं इसको स्ट्रिंग में पास करूंगा। जिस टाइप का हमारा की होगा या जिस भी टाइप की हमारी वैल्यू होगी, जिस भी डेटा टाइप की होगा, हमें उसी डेटा टाइप में इसे पास करना होगा। सो अब इस मैसेज के बाद जो है हम क्या करते हैं, हमारी ए डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा एलिमेंट टू डिलीट हुआ। यस, वी गॉट इट, हमने हमारा एलिमेंट टू डिलीट कर दिया। सो देखिए, ये बेसिक सी कमांड, इस बेसिक से सिंटेक्स की हेल्प से हम जो है डिक्शनरी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को या किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं।